नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बॉडी डॉक्टर रक्वेक सीरीज R12 होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसको डॉक्टर्स कब प्रेस्क्राइब करते हैं, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं टू टेक दिस मेडिसिन। बाद में मैं आपको इसके डोसेज भी बताऊंगी कि इसको कौन कौन सी कब कब लेना चाहिए और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस डॉक्टर रेकवेक की जो ये मेडिसिन है, उसको जनरली हम लोग हार्ट प्रॉब्लम्स और जो भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो दिल है, हमारे दिल ही नहीं, हमारा दिल ही हमारे पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। उसी तरह हमारे हार्ट को भी कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाती है, और अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है, या कहीं सिंपल लैंग्वेज में कि थक्का जम जाता है अगर, तो फिर ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट में चेस्ट पेन फील होता है, CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, एरिदमा हो जाता है, जिसमें हमें हमारी जो बीटिंग होती है, हार्ट बीट होती है, वो इतनी रेगुलर हो जाती है, कभी बहुत फास्ट हो जाती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है। तो एरिदमा, एंजाइना पेक्टोरिस, CAD और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इन सारी प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं या डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक। फिर हम बात करते हैं, जैसे बूढ़े हो जाने पर या बुढ़ापे पर बहुत लोग को भूलने की बीमारी हो जाती है, याद नहीं रहता है कि चीज़ें हमने कहाँ रखी थी, सामने होते हुए भी वो नहीं दिखती हैं, नहीं समझ आता, भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इट्स वेरी यूजफुल इन ऑल दिस। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जैसे वर्टिगो है, कभी जैसे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, तो जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगें तो भी इस मेडिसिन का यूज़ हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोसेज के बारे में। तो डोसेज में ये है कि इस मेडिसिन को दिन में 3 बार लेना चाहिए, 10 स्पून आप आधे गर्म पानी में डाल के इसको लीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल होगा। और फिर इसके बाद बस यही है कि डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी मेडिसिन स्वयं ना लें। एंड थैंक यू।